तो फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों सबसे पहले मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दशहरा दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं कैसे आप अपने सैमसंग मोबाइल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे सिक्योरिटी में क्योंकि सैमसंग के मामले में एक बिल्डिंग आपको एक एंटी मिलता है जिससे आप अफेक्टेड जो मेलवेयर होते हैं उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में सस्पिशियस जो एक्टिविटी होती है आपके मोबाइल में उसको कंट्रोल कर सकते हैं या हो सकते हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा कैसे उसको एक्टिवेट करना है और कैसे आप इसको यूज करेंगे तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों तो वीडियो को स्किप मत करेगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते हैं आगे मेरा नाम सनी अरो और, और, और आपका स्वागत है मेरे चैनल दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे मोबाइल की सेटिंग पे जाने का दोस्तों आप यहाँ पर उसको स्वैप अप

तो आप आप आपके पास मोबाइल में जो 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 वायरस या होंगे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं नीचे लिखा गया है एमसी के, एमसी है है फी वाला, जो एंटी वाला है, उसके थ्रू तो उस जैसे ही आप इसको पहली बार ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा नो थ्रेन फाउंड और यहाँ पर बता देगा लास्ट स्कैन में आपको दिख रहा होगा तो यहां टाइम आ जाएगा आपको सिंपली आप अब करना क्या है यहाँ पर स्कैन फ़ोन पे क्लिक करना है जैसे ही आप स्कैन फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितनी भी एप्स होंगी या जो भी डेटा होगा पूरी तरह से स्कैन होगा और उसके बाद आपको बता देगा कि आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ये जो 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 ऐप है आपको हिट कर रही है या फिर जो भी होगा वो आपको वहाँ पर क्लियर कर देगा तो ये बहुत ही अच्छा सैमसंग के हर मोबाइल में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपके मोबाइल में नहीं मिल रहा है तो आपको अपने मोबाइल का डिवाइस केयर को जाके अपडेट कर लेना है अपडेट कैसे करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ डिवाइस केयर को कैसे अपडेट करते हैं अब पहले को होने देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तक यहां पर चल रहा है और अगर आप अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन को नीचे करेंगे तो आपको वहां पर भी दिख जाएगा कि डिवाइस के अंदर स्कैनिंग फोन हो रहा है तो ये बैकग्राउंड में भी चलता रहता है पर आप इसको होने दीजिए यहां पर थोड़ा बहुत टाइम लेगा अगर आपके पास मोबाइल में ज्यादा ऐप्स हैं तो ज्यादा टाइम ले सकता है अगर कम एप्स है तो बहुत ईजिली बहुत जल्दी हो जाता है फाइनली आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा हो चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे नो ट्रेड फाउंड का ऑप्शन आ चुका है और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा लास्ट स्कैन दिखा रहा है यहाँ पर टाइम दिखा रहा है आपको इलेवन बज के फोर्टी मिनट में फोटी वन मिनट में मैंने उस तो स्कैन करा था अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो आपको यहाँ पर दिखाता है फर्स्ट वाले पे यहाँ पर रेड कलर आता है यहाँ ग्रीन कलर आता है कि स्कैन नीडेड है और ब्लू है तो मतलब आपका फ़ोन फुली स्कैन हो गया अगर आपको ये नहीं ऑप्शन मिल रहा तो आपको उसके लिए जाना है यहाँ थ्री डॉट्स पे थ्री डॉट्स पर जाने का जाना है आपको अबाउट डिवाइस केयर पर डिवाइस केयर पर जाने के बाद आपको उसको पहले डिवाइस केयर को अपडेट

आई तो प्लीज लाइक जरूर करें अगर आपको लगता है उसमें तो मेरी वीडियो कुछ कमी है वो डिसक कर सकते हैं दोस्तों और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं और हो सके दोस्तों आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना बोले और दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना बोले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थैंक यू